यहाँ पे देखिएगा काफी बढ़िया सा मार्केट ने क्या किया है एक साइडवेज जैसा मोमेंटम दिया है ठीक है अब ये जो साइडवेज जैसा मोमेंटम है इसके अंदर क्या आपको इसलिए से बेहतर है या फिर पी बेहतर है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे उसके साथ में यहाँ पे एक बड़ा टारगेट आपको ऊपर मिलेगा या फिर एक बड़ा टारगेट आपको नीचे की साइड में मिलेगा वो भी देखेंगे ठीक है तो ध्यान से देखना है वीडियो को वीडियो को स्किप नहीं करना है उसके साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखो यहाँ पे जो है ना ये इंपॉर्टेंट लेवल से अपना मतलब फोर्टी से लेकर के फोर्टी ये दोनों लेवल्स अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब ये इंपॉर्टेंट लेवल काम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे ठीक है अब उसके साथ में अपना जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला ठीक है टोटली फ्री है यहाँ पे भी, भी आपको अपडेट मिलता है ताकि आप उसे देखें समझें और उससे सीखते रहिए ठीक है थीके? अगर आप सीखने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हो अब उसके बाद में यहाँ पे भी आज मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था फोर के आसपास जिसने यहाँ पे लगभग टू 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 प्लस पॉइंट्स इसी टारगेट हमें जो है वो गेन करके दे दिया था अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि मार्केट्स को अगर ऊपर की साइड में जाना है तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा अब जो निफ्टी बैंक है निफ्टी बैंक में अगर ये लेवल्स सही तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब कि फोर्टी फाइव से लेकर के फोर्टी ठीक है जिसे थोड़ा सेफ रहना है वो थ्री हंड्रेड के लेवल्स पे कंसडरिंग कर सकता है एंड अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट फोटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एंड फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन हंड्रेड एंड एटी एट ये दोनों लेवल्स के आसपास भी जाते हुए हमें दिख सकता है मतलब कि लगभग ये लेवल्स हैं उस पर की ये लेवल्स ये दोनों लेवल्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं अगर निफ्टी बैंक ऊपर के साइड का लेवल्स हमें दिखाता है तो ठीक है नीचे के साइड के इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा चलिए वो भी एक बार कन्फर्म कर लेते हैं तो जब नीचे के साइड के लेवल्स रहेंगे ना वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फिलहाल अपना जो निफ्टी फिफ्टी है निफ्टी फिफ्टी ने क्या किया है एक अच्छा खासा ऊपर के साइड का मोमेंटम दिया है साइड वे जोन की तरह यहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है ठीक है अब उसके बाद में मार्केट यहाँ पे मोमेंटम क्या दे रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो मार्केट है वो लगभग अपना ये वाई लेवल्स के आसपास आया है कौन से लेवल से ये ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी के आसपास अब यहाँ से मार्केट के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है मतलब कि ये वाला ये इसके अंदर एक सी साइड का जो ट्रेड अगर प्लान आउट किया जा सकता है लेकिन फिर वो ट्रैप ट्रेड यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है ठीक है अभी जो इसके अंदर पहले से है वो डाउनफॉल के टारगेट्स मतलब ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी थ्री के आसपास के टारगेट्स का वेटिंग भी कर सकते हैं ठीक है स्टॉप लॉसेस लॉसिस आपके हिसाब से एनालिसिस वहाँ पे कर सकते हो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें तो कितने पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे तो लगभग कहीं ना कहीं वन हंड्रेड पॉइंट्स के आसपास के टारगेट्स हमें वहाँ पर ईजिली अचीवमेंट होते हुए दिख सकते हैं यानी कि गेन होते हुए दिख सकते हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में इम्पॉर्टें टारगेट क्या रहेगा तो ऊपर की साइड में अपना इंपॉर्टेंट टारगेट ये वाई लेवल्स के आसपास रहेगा मतलब कि ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है तो मार्केट अगर यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास से निकल जाए तो फिर अपना ऊपर का टारगेट रहेगा ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोटी एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी एट ठीक है तो ये दोनों लेवल्स अपने पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगे अभी आप पूछे कि फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड एटी लेवल्स इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं तो फोर हंड्रेड एट्टी लेवल्स ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको एक सी साइड का अपडेट मिलता है तो वहाँ पर अपने में सी साइड का जो ट्रेड पॉसिबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है एंड उसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग अपना जनरेट वहाँ पे हो सकता है उन लेवल्स पे अभी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा मार्केट जो है वो डाउनफॉल का मोमेंटम में आ चुका है एंड काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल जो है हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने आपको बताया दिया ऊपर की साइड के इम्पोटेंट टारगेट्स एंड डाउन साइड के अब कल का लेवल्स अगर हम देखेंगे तो कल भी अपना काफ़ी बढ़िया सा टारगेट बुकिंग जो है यहाँ पे हो चुका था ठीक है अब ये सब चीज़ों के लाइव मार्केट का अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके एंड यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया से अपडेट जो है वो देखने मिलते हैं ठीक है लाइव मार्केट का हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहता है अब हम हाँ पे बैंक निफ्टी का भी कन्फर्मेशन ऐप देख लेते हैं तो जो बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है ना फिलहाल वो किस तरीके से चल रहा है तो यहाँ पे देखिए जो बैंक निफ्टी है ना वो कन्फ्यूजन मोमेंटम में है कम्प्लीटली एक साइड जोन के अंदर मार्केट चल रहा है अब साइड जोन के अंदर हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अपर साइड का रेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है मतलब यहाँ से अगर मार्केट निकलना चाहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के लेवल्स के आसपास यहाँ पे आ सकता है ठीक है तो ये बात अपने को ध्यान रखना पड़ेगा मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं तो ये वाले लेवल्स उसके लिए बेहतरीन से हो सकती है अब मार्केट के आसपास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है एंड मार्केट एक ट्रेंड लाइन कन्फ्यूजन जोन में भी चल रहा है ट्रेंड लाइन कन्फ्यूजन जोन जैसे मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर से आ रही है या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे से आ रही है इसका मतलब ये क्या करने के लिए रेडी है ये ट्रैप करने के लिए रेडी है और कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग का मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ठीक है अब ये ट्रैपिंग का मोमेंटम कैसे शुरू हो चुका है उसके पीछे का लॉजिक क्या है हर एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत से बार एक्सप्लेन जो है वो करके रखा हुआ है यूट्यूब वीडियोज़ में फिलहाल का जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सेंटीमेंट है ठीक है तो ये वाली जगह पे ना काफ़ी बढ़िया कन्फ्यूजन होने वाला है अभी अगर यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे अगर मार्केट्स को निकलना है ऊपर के साइड में या फिर नीचे की साइड में तो ये बेहतरीन से लेवल्स होने वाली है इसको अगर निकलना है तो यहीं से ऊपर निकले या फिर अगर निकलना है तो यहीं से वो ऊपर के साइड में निकले अब जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना टाइम क्या करेगा वो उतना टाइम ट्रैप करेगा ठीक है टी आर ए पी उतना टाइम ये ट्रैप करेगा अब यहाँ पे जो क्विक ट्रेडर्स होते हैं तो उनके लिए कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आने वाले चलिए वो भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्विक ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकती है यहाँ पे ठीक है तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूमआउट यहाँ पे कर लेता हूँ एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हुआ है यहाँ पे देखिएगा एक हैमर कैंडल्स जनरेट होता है एंड उसके बाद में मार्केट डाउनफॉल करता है उसके बाद में अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अगेन हैमर ना कैंडल जनरेट होकर के धीरे धीरे करते हुए मार्केट नीचे आता है कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम कैंडल्स का फॉर्मेशन आपको देखने मिलता है वापस मार्केट नीचे जाता है मतलब एक दो तीन अगर किसी ने ये वाले कैंडल्स पर भी अगर काम किया होगा तो तीन बार उसने ईजिली प्रॉफिट जनरेट वहाँ पे कर लिया होगा अगर किसी ने उस कैंडल्स पे काम किया होगा तो ठीक है अब मैं उसी का आपको एग्जांपल्स बताता हूँ यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक और एग्जांपल से आपके सामने इजी एग्जाम्पल्स है जिसमें काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग जनरेट आपका हो सकता है वहाँ पे बस आपको चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको फोकस करना पड़ेगा आपको उसे समझना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा अब ये वाले जो चार्ट है इस चार्ट को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए और उसके साथ में जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर अगर आपने जॉइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टोटली टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पे जा करके अगर सर्च करते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड तो वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट्स के जो ट्रैपिंग होते हैं वो काफ़ी बढ़िया से ट्रैपिंग यहाँ पे हमें देखने मिले हैं मार्केट जो है वो सेंटिमेंटल ट्रैप करता है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो है सभी लोगों को भी ट्रैपिंग करता है अब ये सब ट्रैप्स कैसे जनरेट होते हैं वो भी हम देखेंगे अब जैसे मैंने आपको बहुत से बार बता के रखा हुआ है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो एक साइड में अगर नहीं चल रहा मतलब कि मार्केट अगर अपने ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे नहीं घूम रहा है तो फिर क्या हो सकता है मार्केट ट्रैप करता है देखिए ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे ऊपर आ रहे नीचे आ रहे हैं ऊपर आ रहे नीचे आ रहे अब ये वाला जो, जो जोन होता है इसे हम क्या करते हैं एक ट्रैप जोन हम इसे कहते हैं या फिर ये वाली जोन अगर मार्केट लेकर के आता है तो फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए उसके अंदर हमें यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए ठीक है मतलब कि ट्रेड जो होता है वो हमें यहाँ पर नहीं करना है नो ट्रेड हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है एंड वहाँ पर जा के हमें ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करना है वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है अब सिंपल सी रीज़न है कि यहाँ पे ट्रेड ना करने का क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट्स के अंदर ट्रैप हो जाओगे एंड ट्रैप कैसे होते हैं ट्रैप का लॉजिक क्या है वो सभी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होगी अभी किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग करता है ठीक है अब लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस हर एक चीज़ का एनालिसिस जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए करते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आकर के आप इजीली ज्वाइनिंग हो सकते हो ओके